हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज का जो वीडियो है ये फोर्थ ईयर के होने वाला है। और जैसे कि आप सभी को पता है, ये कल आपका एग्जाम है बिग डेटा एनालिटिक्स का। तो उसके लिए मैंने जो भी पहले इंपॉर्टेंट सम्स थे ना, लाइक जो पिछले दो पेपर्स में पूछे थे, दिसंबर 2023 एंड मई 2023, तो वो सारे सम्स मैंने पहले ही कवर कर लिए थे। लेकिन उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स है जिसपे भी न्यूमेरिकल्स है। और बहुत बार क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी में एक दो क्वेश्चन उन लोग इधर उधर कर देते हैं। लाइक ऐसा वो क्वेश्चन पूछ देंगे कि इससे पहले कभी कुछ पूछा ही ना हो और इस बार पूछ दिया। तो ऐसे में सेफर साइड ये होगा कि हम लोग वो जो बाकी के 3-4 टॉपिक रह गए उसको भी प्रिपेयर करके जाए, और हम लोग ताकि और अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, जो हमारे टॉपिक्स बाकी रह गए थे ना, लाइक मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, हम लोग ने क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किया था, मैप रेड्यूसिंग। अभी हम लोग का मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लीकेशन बाकी है, तो हम लोग वो करने वाले। फिर DGIM करके एल्गोरिज्म होता है, वो हम लोग का बाकी है, वो करने वाले। इसके अलावा इसमें जो है ना, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, तो हम लोग वो ऑपरेशंस को समझेंगे, लाइक प्रोजेक्शन वगैरह वो कैसे वर्क करता है, ताकि आपको अगर उसका थ्योरी भी आता है तो आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे, और न्यूमेरिकल आया तो वो भी आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाओगे। और फिर एक दो टॉपिक और रह गए तो वो हम लोग करने वाले। और आई होप ये वीडियो जो है आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा होगा। और जैसा कि मैं मुझे मेरे एनालिटिक्स से पता भी चलता है कि अभी बहुत सारे लोग जो है ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं, और आई होप ये वीडियो उनको हेल्प कर रहा होगा एग्जाम के प्रिपरेशन में। अगर आपको ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ और ये प्लेलिस्ट हेल्प करती है, तो अपने फ्रेंड को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनका भी एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए। और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिलेंगे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने एक क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया है एम, और हम लोग को एक वेक्टर भी दिया है। इसके ऊपर जो ये सिंबल है, ये हमारा डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वेक्टर का डायरेक्शन भी होता है, तो इसलिए वो हमारा डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लीकेशन का एक खास बात ये होती है कि वहां पे ना आपको वेक्टर दिया रहेगा, लाइक यहाँ पे जो है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो है ना वो सिर्फ एक ही हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो होगा ना वो आपका सिर्फ एक ही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, रो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो कॉलम है ना आपका एक ही रहेगा। तो ये आपको पहचानने में हेल्प करेगा अगर मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लीकेशन आएगा तो। हम लोग को यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिया और ये वेक्टर, तो हम लोग पहले रूल देख लेते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे दो स्टेप परफॉर्म करते हैं। स्टेप वन हमारा होता है मैपिंग। उसमें हम लोग क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर लिखते हैं। की होगा हमारा के की और वी वैल्यू। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कॉमा एम आई जे इंटू वी जे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अगर आपको अभी नहीं भी समझा होगा तो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ जाएगा, तो उसका टेंशन मत लो। और सेकेंड स्टेप हमारा होता है, इसमें हम लोग रेड्यूस करते हैं। तो रेड्यूस कैसे करेंगे, तो रेड्यूस हम लोग करते हैं की कॉमा वैल्यू, और हम लोग क्या करते हैं आई, और जो भी हमारा आई वाला रहेगा ना, सेम आई रहेगा जिसका, तो उसका हम लोग क्या करेंगे ना, सम ले लेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप वन परफॉर्म करेंगे। स्टेप वन जो कि हमारा क्या होगा, मैपिंग होगा। ये हमारा क्या है, मैपिंग, और हमारा फॉर्मूला क्या है, के कॉमा टी कॉमा वैल्यू। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें आई, फिर एम आई जे इंटू वी जे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास देखो, आई के लिए यहाँ पे कितने वैल्यू है, लाइक यहाँ पे कितना रो है, एक रो और ये दो रो है, तो टोटल दो वैल्यू है। तो आई के लिए हमारे पास आई इक्वल टू टू हो जाएगा। और यहाँ पे जे के लिए देखो, जे के लिए कितना रो है, एक दो, जे के लिए भी दो है, तो जे इक्वल टू टू होगा। और इन्हीं पे हम लोग को सारे परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाने हैं। तो क्या, पहले हम लोग लेंगे आई इक्वल टू वन एंड जे इक्वल टू वन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, की कोमा जो की कोमा वैल्यू होगा ना, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे आई जो है, आई का वैल्यू तो वन है, वन कॉमा, और एम आई जे, एम आई जे मतलब क्या हो जाएगा, वन वन, वन वन का वैल्यू हमारा ये मैट्रिक्स का क्या है, वन है ना, तो वन मल्टीप्लाई वी जे, वी जे मतलब जे इक्वल टू वन, तो जे इक्वल टू वन है, वी का वैल्यू क्या है, टू है, तो वन मल्टीप्लाई टू हो जाएगा, जिसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे आंसर मिलेगा वन कॉमा टू वन, जहाँ कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आई इक्वल टू वन लेंगे और जे इक्वल टू टू लेंगे, तो यहाँ पे तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से आई आएगा, तो आई कितना है, वन है। अभी आई वन टू, तो मैट्रिक्स में वन टू वैल्यू कौन सा होगा हमारा, ये जीरो होगा, तो ये होगा जीरो मल्टीप्लाई, और जे इक्वल टू टू है ना, मतलब सेकंड रो, तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो जीरो मल्टीप्लाई वन।
तो क्या होगा, ये 0 ही होगा, तो 1,0। इसी तरीके से हम लोग आई इक्वल टू 2 लेंगे, जे इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2, 1, तो 2 का 1 मैट्रिक्स में क्या है, ये 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1, जे इक्वल टू 1 है ना, तो 2 आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 2, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा 2, 3, 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 6। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आई इक्वल टू 2 और फिर बाद में लास्ट कॉम्बिनेशन क्या बनता है, जे इक्वल टू 2, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आई का तो आई रहेगा 2 हमारा, और यहाँ पे 2, 2, तो मैट्रिक्स में 2, 2 वैल्यू कौन सा होगा ये, आई होप आप लोगों को मैट्रिक्स पता होगा, लाइक ये हमारा A11 होता है, A12 होता है, A21 होता है, A22 होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मैट्रिक्स लगा, ये मैट्रिक्स ए के लिए मैंने बताया, ऐसे एम के लिए बताऊंगा तो M11 M12 ऐसा हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2, 2 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जे इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड रो का वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2,2, तो ये हमारा स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने मैपिंग कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम लोग रेड्यूस करने वाले हैं, रेड्यूस का फॉर्मूला क्या था, की कॉमा वैल्यू, जिसमें हम लोग इसका आउटपुट कैसा आएगा, आई कॉमा सम, तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, सॉर्ट करते हैं, आई इक्वल टू 1 वाले जो भी रहेंगे उसको, तो आई इक्वल टू 1 में अगर आप लोग चेक करो यहाँ पे कौन कौन से है, एक तो ये है 1,2, और इसके साथ में यहाँ पे है 1,0, फिर आई इक्वल टू 2 मतलब 2 वाले में कौन कौन है, तो ये है 2,6 एंड 2,2, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट हमारा आएगा वो कैसे आएगा, आई कॉमा सम आएगा ना, तो आई का वैल्यू तो 1 है और इन दोनों का सम, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 0, और यहाँ पे जो है सेम, ये आई का वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है और इन दोनों का सम, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 2, तो जो फाइनल आंसर हम लोग को मिलेगा 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2 होगा, और 6 2 8, ये जो है 8 होगा, तो मतलब अगर हम लोग मैट्रिक्स M जो कि 1 0 3 2 था, इसको अगर वेक्टर V से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को ये आंसर आएगा, और ये आप लोग कैल्सियम में कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हो। आई होप आपको ये सम समझा, बहुत ही इजी सम है, सिर्फ आपको इतना याद रहना चाहिए, आप लोग ये सम को बहुत ही इजीली कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।